सब्सक्राइब कीजिए शाइन शॉट एंड सिस्टम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुख्तार जोया। मैं आपको शाहीन शॉर्ट एंड सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूँ। आज का लेक्चर लेक्चर नंबर 5 और इसमें हम सेकंड वावल डिस्कस करेंगे। उस वावल का नेम है शॉर्ट ई, जस्ट शॉर्ट ई की साउंड है। और ई जो हमने पहला वावल एक पढ़ा था थर्ड लेक्चर में, उसमें था ना ए, तो ए बोलते हुए अगर फर्ज करें एक सेकंड लगता था ए, तो हमने उसी ए की साउंड को हाफ सेकंड में बोल देना है। मैं लॉन्ग ए की साउंड पे भी बोलता हूँ और शॉर्ट ई की भी बोलता हूँ, आप नोटिस करें। ए वर्ड में ई नजर आएगा, लेकिन ई जो है वो लॉन्ग ई की साउंड नहीं देगा, क्योंकि इस सेकंड वावल का जो नेम है वो शॉर्ट ई है, और चूंकि शॉर्ट साउंड है इसलिए हम इसको लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी साउंड स्ट्रेट है, बैलेंस्ड है, तो ये सेकंड प्लेस वावल है। तो आइए बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। वावल्स की तरतीब के हिसाब से ये सेकंड वावल है। वावल नेम शॉर्ट ई, वर्ड में ई नजर आएगा, शॉर्ट साउंड देगा। वावल साउंड, वावल साउंड डायरेक्शन स्ट्रेट बैलेंस्ड है, इस वजह से इसकी जो प्लेस है वावल की वो सेकंड प्लेस है। और वावल साइन जो है, चूंकि वावल नेम शॉर्ट ई है तो इसका जो साइन है वो लाइट डॉट है। अब हमारे इस लेक्चर में फर्स्ट जो वर्ड है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शेड। शेड में इसको हम स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। शॉर्ट ई का लाइट डॉट है, डी की स्ट्रोक है, तो चूंकि ई सेकंड प्लेस वावल है तो इसका स्मॉल सर्कल, डी ऑन सेकंड प्लेस क्योंकि वावल सेकंड प्लेस का है, और डी के बिफोर पे लाइट डॉट, शेड। नेक्स्ट वर्ड एज है, और आपको पता है शॉर्ट एंड साउंड पे बेस करती है। एज में डी की साउंड नहीं है, साइलेंट है, हम उसको शो नहीं करेंगे। शॉर्ट ई वावल है, ये जी जो है ये एज के अंदर जे की साउंड दे रही है, और लास्ट वाला ई ये भी साइलेंट है। तो हमारे पास एक स्ट्रोक है जे की और एक शॉर्ट ई का वावल है। शॉर्ट ई चूंकि सेकंड प्लेस वावल है तो जे ऑन सेकंड प्लेस लिखा जाएगा, और जे से पहले वावल है तो जे के बिफोर साइड पे लाइट डॉट लग जाएगा। एज के लिए बिल्कुल लाइट डॉट है। और मैं यहां पे आपको ये भी बता दूं, ये चूंकि वावल शॉर्ट ई है तो लाइट डॉट है शेड में। अगर गलती से ये वावल साइन आपसे डार्क हो गया तो फिर ये शेड नहीं पढ़ा जाएगा, आप इसको शेड पढ़ेंगे, क्योंकि ए की साउंड का जो वावल साइन है वो हैवी डॉट है। इसी तरह अगर गलती से आपसे एज की आउटलाइन में वावल साइन डार्क हो गया, डार्क डॉट लग गया, तो फिर आप इसको एज नहीं पढ़ेंगे, ये एज पढ़ा जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी। तो आपने शेड और एज में लाइट डॉट लगाना है, गलती से भी डार्क नहीं होने देना। नेक्स्ट वर्ड है डेट। डेट में डी की स्ट्रोक, शॉर्ट ई वावल, बी साइलेंट है, और उसके बाद टी की स्ट्रोक है, तो डी ऑन सेकंड प्लेस क्योंकि वावल सेकंड प्लेस का है, उसके बाद टी की स्ट्रोक, और डी के आफ्टर साइड पे शॉर्ट ई का लाइट डॉट, डेट। और ये भी अगर वावल लाइट डॉट गलती से डार्क हो गया तो फिर ये डेट नहीं पढ़ा जाएगा, इसको आप डेट पढ़ेंगे, इसलिए लाइट वावल साइन का ख्याल रखना है। उसके बाद बेट्स है, बी की स्ट्रोक, शॉर्ट ई वावल, उसके बाद टी की स्ट्रोक और एस का स्मॉल सर्कल, बी ऑन सेकंड प्लेस, टी की स्ट्रोक और उसके साथ स्मॉल सर्कल एस के लिए, और बी के आफ्टर साइड पे सेकंड प्लेस पे लाइट डॉट, बेट्स। और यहां मैं आपको बता दूं कि अगर ये वावल लगाते हुए आपसे ये डार्क हो गया तो इसको आप बेट्स नहीं पढ़ सकेंगे, ये बेट्स हो जाएगा, बेट्स, लिहाजा लाइट डॉट का ख्याल करना है। जेट्स है, जे की स्ट्रोक, शॉर्ट ई वावल, टी की स्ट्रोक और एस का स्मॉल सर्कल, ई सेकंड प्लेस वावल है शॉर्ट ई, तो जे ऑन सेकंड प्लेस, टी
टी के साथ स्मॉल सर्कल एस का, और जे के आफ्टर साइड पे लाइट डॉट शॉर्ट ई का। जेट्स, उसके बाद डेट्स है, डी की स्ट्रोक शॉर्ट ई वावल, बी साइलेंट है, टी की स्ट्रोक है, एस का सर्कल है स्मॉल, तो डी ऑन सेकंड प्लेस, टी लाइट, एस का स्मॉल सर्कल और डी के आफ्टर साइड पे शॉर्ट ई का लाइट डॉट। और अगर इस आउटलाइन में अगर आपने गलती से हैवी डॉट लगा दिया तो वो डेट्स नहीं पढ़ा जाएगा, उसको आप डेट्स पढ़ेंगे, मिस्टेक हो जाएगी, तो लाइट डॉट का ख्याल रखना है। एज, ए वावल है, जे की स्ट्रोक, ई साइलेंट है और एस का सर्कल, जे ऑन सेकंड प्लेस, राइट साइड पे स्मॉल सर्कल और जे के बिफोर साइड पे वावल ए का हैवी डॉट। एज, तो अजीज तलबा, ये शाहीन शॉर्ट हैंड का लेक्चर नंबर 5 था, जिसमें हमने सेकंड वावल डिस्कस किया शॉर्ट ई। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें एक्यूरेसी के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।